गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ज्योति बिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज डायबिटीज एंड ओरल हेल्थ, यानी कि डायबिटीज में दिखने वाले मुंह के अंदर के लक्षण। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंडिया में डायबिटीज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एंड रिसेंट स्टडीज में भी पाया गया है कि 80 मिलियन पेशेंट्स ऐसे हैं इंडिया में जिन्हें अभी डायबिटीज है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है एंड हाउ इट अफेक्ट्स ओरल हेल्थ। सो डायबिटीज मेलाइटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज दैट लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर, यानी कि शरीर में जब ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। और ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? इसका जो मेन रीज़न है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी डजंट प्रोड्यूस और प्रॉपरली यूज इंसुलिन हार्मोन, एंड दिस इंसुलिन हार्मोन नीडेड टू एब्जॉर्ब ब्लड शुगर। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। बात करेंगे कि डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं। डायबिटीज टू टाइप के होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन डायबिटीज में हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, यानी कि टोटल इनसफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की बॉडी में, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है और टीनेजर्स में भी देखने को मिलता है। बेसिकली ये 30 ईयर्स के बिलो ही देखा जाता है, ओल्डर एज ग्रुप में बहुत ही रेयर होता है। नेक्स्ट होता है टाइप टू डायबिटीज, जो कि मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, और इसमें हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती, यानी कि जो इंसुलिन होता है उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से। तो मोस्ट कॉमनली टाइप टू डायबिटीज़ ही देखने को मिलता है ओल्डर एज ग्रुप में। और इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन होना, ओवरवेट होना, ओबेसिटी, या फिर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये दिक्कतें हो सकती है। अगर आपके फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, या फिर आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं टाइप टू डायबिटीज़ के लिए। तो ओवरऑल ये पूरी बॉडी पार्ट को ही अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग माउथ और ओरल कैविटी। सो पीपल विद डायबिटीज ऑल्सो फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओरल इन्फेक्शंस एंड गम डिजीजेस। करते हैं कि माउथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो इंक्रीज टेंडेंसी टू ओरल इन्फेक्शंस, यानी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के मुंह में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड फंगल इन्फेक्शंस लाइक ओरल कैंडिडियासिस। एंड ऐसे पेशेंट्स जो कि स्मोक करते हैं या जिनके मुँह के अंदर डेंचर्स है और जिनका जो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, और जो स्टीरॉइड्स लेते हैं या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और ओल्डर एज ग्रुप में हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखी जाती है। सो नेक्स्ट होता है डिलेड हीलिंग, यानी कि आपके मुंह में अगर कोई भी घाव है या आप कोई भी मुंह के अंदर सर्जरी करवाते हैं तो उस घाव को भरने में टाइम लग जाता है डायबिटीज़ पेशेंट्स में, और वो जल्दी से नहीं भर पाता क्योंकि जो आपकी इननेट इम्यूनिटी होती है बॉडी की, वो इम्यूनिटी वीक हो जाती है क्योंकि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं रह पाते, जिसकी वजह से आपके जो हीलिंग के लिए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और वहाँ पे वैस्कुलराइजेशन नहीं हो पाता। तो फिर जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके मुंह में अल्सर्स भी हो रहे हैं तो उनको भी ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोस्ट्रोमिया, यानी कि ड्राई माउथ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है डायबिटिक पेशेंट्स में और उनका मुंह सूखने लगता है। ये इसकी जो मेन रीज़न होता है वो होता है सलाइवरी डिसफंक्शन, यानी कि जो हमारे सलाइवरी बनाने वाली जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनका डिसफंक्शन होने की वजह से ये दिक्कत डायबिटीज पेशेंट्स में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गम डिजीज़ की, यानी कि मसूड़ों में होने वाली प्रॉब्लम डायबिटीज़ पेशेंट्स में। तो जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनका जो डिफेंस रिस्पॉन्स होता है उसमें ऑल्टरेशंस हो जाते हैं और न्यूट्रोफिल डिसफंक्शंस भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मसूड़ों में प्रॉब्लम आने लगती है, मसूड़ों से खून आना, यानी कि मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से आपको गम डिजीज़ हो जाती हैं। और जब वो आगे बढ़ती हैं तो आपकी जो जॉ बोन होती हैं, यानी कि जो आपके टूथ के अराउंड बोन होती है, उसमें ये इन्फेक्शन चला जाता है और पेरिओडोंटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में मोबिलिटी यानी कि दांत हिलने लगते हैं और अपने आप टूटने लगते हैं।
इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा अपने डेंटल सर्जन से मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ है, ताकि वो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्निंग माउथ, यानी कि पूरे मुंह के अंदर जलन होना। और जब भी आपको ये होता है तो ये डायबिटीज़ पेशेंट्स में पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल की वजह से होता है, और ऐसा लगता है कि आपके पूरे मुंह में बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं। स्पेशली आपके टंग में आपको फील होगा या आपके तालू पे आपको फील होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंटल केरीज की। जो डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं उनका जो सलाइवा यानी कि जो लार होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ऑल्टरेशंस हो जाते हैं और बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, जिस वजह से उनके टूथ डिके ज़्यादा होता है एंड डेंटल केरीज होती है इंक्लूडिंग रूट केरीज। नेक्स्ट होता है टेस्ट चेंजेस, तो डायबिटिक पेशेंट्स में टेस्ट चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और ऐसे पेशेंट्स में टंग के डिजीजेस भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लाइक ज्योग्राफिक टंग या फिर फिशर टंग या फिर टंग कोटिंग, ऐसी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनको बताएं कि आपको डायबिटीज़ है, उसको ना छुपाएं, क्योंकि आपको डायबिटीज़ होने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।